ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के विशेष संगीत सभा में आज हम आपको पद्म भूषण पंडित देवव्रत चौधरी का सितार वादन सुनवा रहे हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जगत के प्रोफेसर देवव्रत चौधरी के नाम से विख्यात पंडित जी का 1 मई 2021 को देहावसान हो गया था। ये रिकॉर्डिंग आकाशवाणी के केंद्रीय अभिलेखागार से प्राप्त की गई है। पंडित देवव्रत चौधरी का जन्म सन 1935 में बांग्लादेश मयामय सिंह के एक संगीतज्ञ परिवार में हुआ। आपने कोलकाता विश्वविद्यालय से शैक्षणिक शिक्षा प्राप्त करने के साथ ही सितार की विधिवत शिक्षा आपने पंचू गोपाल दत्ता एवं सेनिया घराना के उस्ताद मुश्ताक अली खां से प्राप्त की। आपने सन 1971 में दिल्ली विश्वविद्यालय के संगीत अनुभाग में रीडर के पद पर कार्य करना प्रारंभ किया। बाद में आपने अध्यक्ष एवं डीन के पद को भी सुशोभित किया। सन 1953 में आपने आकाशवाणी से अपना पहला कार्यक्रम दिया। आपने कई रागों की रचना की, जिसमें विश्वेश्वरी, पलास सारंग, अनुरंजनी, आशिकी ललित, कल्याणी बिलावल, शिव मंजरी एवं प्रभाती मंजरी प्रमुख हैं। आपने 3 पुस्तकें सितार एंड इट्स टेक्निक, म्यूजिक ऑफ इंडिया एंड ऑन इंडियन म्यूजिक भी लिखी। आपकी कई सीडीज भी रिलीज हुए हैं। रागों की गंभीरता, आलाप, जोड़, झाला, लयकारी एवं द्रुत गत में प्रस्तुति आपके वादन की विशेषता है। आपको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री एवं पद्म भूषण सम्मान से भी अलंकृत किया गया था। आज के कार्यक्रम की शुरुआत राग केदार से कर रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग वर्ष 1964 की है। इसमें तबला संगति पंडित प्रेम वल्लभ ने की है। Thank you.
Thank you.
अभी आपने पद्मभूषण पंडित देवव्रत चौधरी का सितार पर बजाया राग केदार सुना।